Hi guys, welcome to Vendify series on vending business in India episode 3. आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे वेंडिंग मशीन्स के बारे में कि वेंडिंग मशीन्स क्या है, कितने टाइप्स की हैं और कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेंडिंग मशीन्स क्या है। सोचिए कि स्टोर के बाहर एक फ्रिज रखा है, उस फ्रिज के पास एक कस्टमर जाता है, उस फ्रिज के ऊपर एक टैबलेट जितनी स्क्रीन लगी हुई है जिससे वो कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है, वहीं उसका पेमेंट कर सकता है और उस फ्रिज से अपने आप ही वो प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। अगर आसान भाषा में बात करें तो कुछ यही होती है वेंडिंग मशीन्स, एक फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन जिसमें कि स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क जैसे खाने के प्रोडक्ट्स, यही नहीं मेडिकल का सामान जैसे कि मास्क, सैनिटरी पैड एक्सेट्रा रखे जाते हैं और कंज्यूमर्स कैश, कार्ड या UPI के थ्रू पेमेंट करके उन्हें खरीद सकते हैं। यानी कि अनमैन स्टोर जिसमें आपको इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए लोड नहीं रखने, कैश कलेक्ट करने के लिए लोड नहीं रखने और तो और सामान की रखवाली करने के लिए भी लोड नहीं रखने, बस वेंडिंग मशीन में सामान रखना है जो कि वेंडिफाई बता ही देता है कि किन की बिक्री ज़्यादा है और उसके बाद घर बैठे बैठे आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। वेंडिंग मशीन्स ये तो बहुत तरीके की होती हैं, कुछ कॉमन टाइप्स हैं जैसे कि एक्सचेंज वेंडिंग मशीन्स, यानी वो वेंडिंग मशीन्स जिसमें हम बड़ा नोट डालते हैं और उतने ही अमाउंट के कॉइन्स या छोटे नोट निकाल लेते हैं। ATM मशीन्स भी एक टाइप की एक्सचेंज वेंडिंग मशीन्स ही हैं जिसमें हम अपना कार्ड लगाते हैं और कैश निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, फूड एंड स्नैक वेंडिंग मशीन्स जिसमें कि विभिन्न प्रकार के चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क जैसे प्रोडक्ट्स रखे और बेचे जाते हैं। ऑफिसेज में फ्रेश फूड के लिए फूड एंड स्नैक वेंडिंग मशीन्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर आती है फार्मेसी वेंडिंग मशीन्स जो कि मेडिसिंस, मास्क, ग्लव्स, सैनिटरी पैड्स, कॉन्डम्स जैसे मेडिकल के सामान के लिए यूज होती है। कोविड जैसे दिनों में मेडिकल स्टोर पर ज़्यादा भीड़ ना हो उसके लिए इन मशीन्स का बहुत इस्तेमाल हो। नेक्स्ट, बल्क वेंडिंग मशीन्स जो कि गमबॉल्स और टॉयज के लिए फेमस हैं, इन्हें कैंडी स्टोर भी कहा जाता है। लास्ट आती है स्पेशल वेंडिंग मशीन्स जैसे कि आपके ऑफिस में रखी कॉफी वेंडिंग मशीन्स जिनसे आप बनी बनाई कॉफी निकाल लेते हैं और किसी और की जरूरत आपको नहीं पड़ती। वेंडिंग मशीन्स को उनके स्ट्रक्चर यानी आकार के बेस पर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि बेवरेज वेंडिंग मशीन्स, ये रेफ्रिजरेटर जैसी ही दिखती हैं। इनमें ग्लास डोर के थ्रू कस्टमर्स बेवरेज आइटम्स को देख सकते हैं। इनमें रफली 360 आइटम्स तक आ सकते हैं। फिर आती है स्मॉल स्नैक वेंडिंग मशीन्स, मतलब जहां वेंडिंग मशीन की ज़रूरत तो हो पर स्पेस लिमिटेड हो वहां पर इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इन वेंडिंग मशीन्स की विड्थ यानी चौड़ाई कम होती है और डेप्थ यानी गहराई ज़्यादा होती है। लास्ट, ग्राफिकल बेवरेज वेंडिंग मशीन्स, ये बेवरेज वेंडिंग मशीन जैसी ही होती हैं पर इनमें ग्लास डोर नहीं होता बल्कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी टैबलेट की स्क्रीन के थ्रू बेवरेज की ब्रांडिंग की जाती है। स्मॉल स्नैक वेंडिंग मशीन्स और बेवरेज वेंडिंग मशीन्स में एक और भी फर्क है, स्मॉल स्नैक वेंडिंग मशीन से सामान अपने आप वेंड हो जाता है जबकि बेवरेज वेंडिंग मशीन से कोई भी कस्टमर ग्लास डोर को ओपन करता है, प्रोडक्ट निकालता है और उसे बंद कर देता है। अगर दुनिया भर की बात करें तो पता चलता है कि वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल किसी भी सामान के लिए किया जा सकता है, जैसे कि सिंगापुर की कार वेंडिंग मशीन्स जिसमें एक वक्त में 60 कार्स तक आ सकती हैं। ऑब्वियसली ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट वेंडिंग मशीन्स हैं। जापान में तो सिगरेट्स
और बियर भी वेंडिंग मशीन से ही खरीदी जाती है। अगर आपने लंदन की फेमस मॉय और शांडे वेंडिंग मशीन के बारे में नहीं सुना तो इन वेंडिंग मशीन से मिनी शैंपेन की बॉटल $20 में खरीदी जा सकती है। जापान में तो हर चीज के लिए ही वेंडिंग मशीन उपलब्ध है। अम्ब्रेला भी लोग वेंडिंग मशीन से ही खरीदते हैं या फिर फ्री में रिसाइकल्ड अम्ब्रेला भी ले सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी की गोल्ड टू गो वेंडिंग मशीन्स, जिनसे गोल्ड ही मशीन से खरीदा जा सकता है। इनका वेट 1000 pounds से भी ज़्यादा होता है। फ्रांस में वक्त बिताने के लिए रीडिंग करना चाहें तो शॉर्ट एडिशन की वेंडिंग मशीन से शॉर्ट स्टोरीज निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी स्टोरी चाहिए। और डॉग लवर्स के लिए US की डॉग फूड वेंडिंग मशीन से कहीं भी किसी भी वक्त पर अपने डॉग के लिए फूड खरीद सकते हैं। तो समराइज करें तो वेंडिंग मशीन्स रिटेल का फ्यूचर है, जिनमें लेबर की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती और आप घर बैठे बैठे कितनी ही दूर की लोकेशन पर अपना स्टोर चला सकते हैं। इंडिया में वेंडिंग मशीन्स को बढ़ावा देने के लिए वेंडिफाई जैसी कंपनीज एक गिफ्ट की तरह है, जिन्होंने इस अवसरवादी बिजनेस को और ज्यादा आसान बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए चेक करें vendify.in और अपने डाउट्स पूछें मेल करके या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करके। नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।